मैं हूं निखिल सिंह। तो स्वागत शुरुआत करेंगे इस वक्त मिड डे प्राइम की और देखेंगे कि क्या कुछ है खास मिड डे प्राइम में। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ आपका स्वागत। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले पश्चिमी तत्वों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का करारा पलटवार। वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों के बारे में भ्रामक और तथ्यहीन बयानबाजी करने वालों को लताड़ा। कहा, कभी जमीनी सच्चाई न देखने वाले तैयार कर रहे हैं रिपोर्ट्स। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के अरुणाचल दौरे का अंतिम दिन, हीरवालोंग युद्ध स्मारक पर दी श्रद्धांजलि। असम में भाजपा के डिब्रूगढ़ कार्यालय का करेंगे शुभारंभ, जनसभा को भी संबोधित करेंगे अमित शाह। आरएसएस के रूट मार्च मामले में तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने किया खारिज। हाईकोर्ट ने रूट मार्च को लेकर आरएसएस पर शर्तें लगाने के फैसले को कर दिया था निरस्त। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए हुई है तेजस्वी की पेशी। इसी मामले में सीबीआई ने भी की थी पूछताछ। रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले जमीन लेने का है आरोप। कांग्रेस हाईकमान की चेतावनी के बावजूद सचिन पायलट का अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ उपवास। वादे पूरे न करने को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे हैं पायलट। कांग्रेस ने चेताया, ऐसी किसी भी हरकत को माना जाएगा पार्टी विरोधी गतिविधि। कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारी की समीक्षा के लिए आज भी सर्वव्यापी मॉक ड्रिल। अस्पतालों में उपलब्ध संसाधनों का हो रहा है आकलन। देश में कोविड 19 के मामलों में बढ़ोतरी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 5,600 से अधिक नए मामले। 37,000 के पार हुई एक्टिव मामलों की संख्या। विदेश मंत्री एस जयशंकर युगांडा के कंपाला में तुलसी घाट परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा, भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है एक। किसानों के लिए अच्छी खबर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा, इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून। जारी की दक्षिण पश्चिम मॉनसून को लेकर लंबी अवधि की भविष्यवाणी। इस बार 96% मॉनसून रहने का जताया अनुमान। और आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स की भिड़ंत मुंबई इंडियंस से। अहम मुकाबले में दोनों टीमें पहली जीत की तलाश में उतरेंगी मैदान पर। कल हुए एक रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को दी एक विकेट से शिकस्त। तो मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। भारत के खिलाफ नकारात्मक पश्चिमी धारणा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमकर वार किया है। वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने भारत के मुसलमानों की स्थिति के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों का रोना रोने वाले पाकिस्तान से भी बेहतर स्थिति में भारत के मुसलमान हैं और वो बेहद खुश और सुरक्षित हैं। सीतारमण ने कहा कि पश्चिमी मीडिया में कहा जाता है कि भारत में शासन के समर्थन से मुस्लिमों का जीवन कठिन बनाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल तथ्यहीन और निराधार है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर ऐसा होता तो भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी कैसे रह रही होती। वित्त मंत्री ने कहा कि 1947 से आजादी के बाद से पाकिस्तान के विपरीत भारत में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि भारत में हर तरह का मुसलमान अपना व्यवसाय कर रहा है, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है,
फेलोशिप्स दी जा रही हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि पाकिस्तान में हर अल्पसंख्यक अपनी संख्या में घट रहा है या कम हो रहा है, यहां तक कि खुद एक इस्लामिक देश घोषित करने के बावजूद वहां के कुछ मुस्लिम संप्रदायों पर भी हमला कर उनका सफाया किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क में हर किसी के मन में असुरक्षा का भाव है। Pakistan declared itself an Islamic country, but however said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas in India, you would find every strand of Muslim doing their business, their children getting educated, fellowships are being given by the government. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और विश्व बैंक समूह की वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। निर्मला सीतारमण आज अपनी अमेरिकी समकक्ष जेनेट येलेन से मुलाकात करेंगी। दोनों नेताओं के बीच परस्पर हित से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल निर्मला सीतारमण ने पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक कार्यक्रम में शिरकत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत का G20 का अध्यक्ष होना भारत के लिए स्वयं को साबित करने और सभी देशों को ठोस मुद्दों पर एक साथ लाने की दिशा में काम करने का एक बड़ा अवसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इंडिया हैज शोन वेरी क्लियरली इट्स इनिशिएटिव इज वर्किंग आउट वेल इन परस्यूइंग विद कंट्रीज एंड एग्रीइंग टू हैव FTAs विद देम। So free trade agreements are being signed, far speedily nowadays. Mm-hmm. We've just concluded one with Australia, we've concluded earlier one with the UAE, Mauritius, and as it is we've had agreements with ASEAN, free trade agreements both in goods and services with ASEAN. We have had with Korea, with Japan. So free trade agreements have bilaterally or with multilateral groups been the route which India has had till before 2014, and now between 2019 and today we've had at least 3 major agreements signed. वित्त मंत्री ने कहा कि चीन की जीरो टॉलरेंस नीति के कारण विश्व की सप्लाई चेन बाधित हुई है। China is opening up back again after the zero tolerance and everything else. I would still think there would be a lot of investment interests and also manufacturing interests going back to China or restoring themselves in China. So it will be unrealistic to think everything is going to get out of China. But yet, the shock that had happened in terms of disruptions in supply chain justifies more than one location. And countries like India would be the best in terms of the skill sets that are Indians, particularly the youth. So you have every reason to come there and invest, and also a captive domestic market as well. I'm sure there are other countries which are pitching in with the same kind of tone. बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के समक्ष पेश हुए। सीबीआई ने इस मामले में पिछले महीने उनसे पूछताछ की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में तेजस्वी यादव को तलब किया है। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ये मामला दर्ज किया है। इससे पहले उनकी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती से ईडी के अफसर पूछताछ कर चुके हैं। इस घोटाले में ईडी ने अब तक 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के साक्ष्य मिलने का दावा किया है। ईडी के अनुसार अपराध से बनाई गई संपत्तियों में से 350 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा 250 करोड़ रुपए के बेनामी लोगों के माध्यम से लालू प्रसाद यादव के परिवार के पास आए थे।
आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के कई जोन्स में हुई नियुक्तियों के लिए लोगों से नौकरी के बदले जमीनें ली गई थी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे, ये सीबीआई ने पूछताछ की है, ईडी भी पूछताछ कर रही है, क्या ये ईडी पहली बार पूछताछ कर रही है नीरज से तेजस्वी से, या इस बार ये पहले भी पूछताछ की जा चुकी है और उस कड़ी में आगे की भी पूछताछ है, कुछ कुछ जानकारी मिल पाई है, क्या प्रश्न रहे हैं, क्या कुछ जानना चाहती है ईडी? देखिए, बिल्कुल, पहले सबसे पहले सीबीआई ने इनसे पूछताछ करी थी और 26 मार्च को एक लंबी पूछताछ तेजस्वी यादव से हुई थी। ईडी ने, चूंकि जब सीबीआई ने इस मामले में केस रजिस्टर्ड किया था उसके बाद ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था, क्योंकि 600 करोड़ की डील थी जिसमें 350 करोड़ की जो अचल संपत्ति थी और 250 करोड़ के करीब ऐसी संपत्तियां थी जो चल संपत्तियां थी, कैश लेन देन था। इसके अलावा कई सारे जो लोग इसमें शामिल थे, कोलकाता के कुछ कारोबारी हैं वो शामिल थे, इसके अलावा मुंबई के कुछ ज्वेलर्स हैं वो इस पूरे मामले में शामिल थे। 2004 से 2009 के बीच का मामला है ये, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे और उसी समय रेलवे में जॉब दिलाने के लिए कुछ लोगों से जो ज़मीनें हैं वो लिखवाई गई। उसमें एक इम्पॉर्टेंट साक्ष्य ये है कि पटना में 4 ऐसी ज़मीनें थीं जो मात्र 7.5 लाख रुपए में ली गई, लालू का जो परिवार है उनके नाम की गई, और उन ज़मीनों को 3.5 करोड़ में अबू दोजाना, जो आरजेडी के ही नेता हैं और काफ़ी करीबी हैं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के, उनसे 3.5 करोड़ रुपए लिए गए और वो 3.5 करोड़ रुपए तेजस्वी यादव के जो खाते हैं उसमें ट्रांसफ़र किए गए थे। उसके बाद तेजस्वी यादव ने जो आज की मार्केट वैल्यू है करीब 150 करोड़ का, वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक जो बंगला है वो उनके नाम होता है, वो उस बंगले को खरीदते हैं और मात्र 4 लाख रुपए में वो बंगला लिया जाता है। तो उसमें भी ये आरोप है कि बेनामी संपत्ति के तहत ये लिया गया और बड़े पैमाने पर जो दूसरे कारोबारी थे उन्होंने फंड ट्रांसफ़र किया था। अब प्रवर्तन निदेशालय तेजस्वी यादव से इसी को लेकर पूछताछ कर रही है कि जब उनको जानकारी थी कि इस तरीके का जो मामला है वो सामने आया और आपके पास जो फंड है वो ट्रांसफ़र किए गए, कुछ जो ज्वेलर्स हैं उनके मार्फत भी फंड ट्रांसफ़र किए गए, तो जब आपको पता नहीं है, क्योंकि सीबीआई की पूछताछ हुई थी, उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं मालूम और कोई भी घोटाला नहीं हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि ये कैसे संभव है कि 150 करोड़ का जो बंगला है वो मात्र 4 लाख रुपए में ले लिया जाए, इंडिया के किसी भी कोने में आपको इतने सस्ते में 3 मंजिला बंगला बना हुआ नहीं मिलेगा। तो वही तमाम जो सवाल हैं वो प्रवर्तन निदेशालय के जो अधिकारी हैं वो तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं। 11:15 बजे के करीब तेजस्वी यादव पहुंचे थे ईडी के ऑफिस और अभी भी उनसे पूछताछ चल रही है। जैसा कि आपने बताया कि तेजस्वी ने ये एक पूछताछ में कहा था कि उन्हें जानकारी नहीं है और इस तरह की भी बात सामने आई थी कि तब वो बहुत छोटे थे जब ये सारी चीज़ें हुई थी, क्या तेजस्वी को कोई सक्रिय भूमिका का आरोप है इस पूरे प्रकरण में? देखिए, सक्रिय भूमिका इसी से सिद्ध होती है अगर आप देखें कि इतने बड़े पैमाने पर जो संपत्तियां हैं वो इनके नाम की गई। आज तेजस्वी यादव बालिग हैं और अगर वो ये दावा करते हैं कि जो बचपन में ये संपत्तियां उनको दी गई थी, तो बचपन में जब आप नाबालिग रहेंगे उस समय ये संपत्तियाँ ट्रांसफ़र नहीं हुई थी, ये बंगला आपके नाम से है, 150 करोड़ का ये बंगला है, इसमें जो 2 कंपनियाँ चलती हैं वो भी लालू प्रसाद यादव परिवार से संबंधित 2 कंपनियाँ हैं। जब सीबीआई ने जब रेड करी थी, और आपको पता होगा कि मीसा भारती या लालू प्रसाद यादव की जो दूसरी बेटियां हैं उनके यहाँ भी सीबीआई की टीम पहुंची थी, जो यहाँ पर इनके फार्म हाउस हैं, और ये जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो बंगला है वहाँ पर भी सीबीआई की टीम पहुंची थी, तब तेजस्वी यादव उस बंगले में रह रहे थे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये बंगला रजिस्टर्ड कराया गया था कंपनियों के नाम से जो लालू प्रसाद यादव के परिवार की हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उसमें एज ए जो निवासी हैं बंगले में उस तरीके से रह रहे थे, और तब लगातार सीबीआई ये कह रही थी कि उनको सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ के लिए शामिल होना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार इग्नोर करते रहे और यहाँ तक कि वो कोर्ट में चले गए, लेकिन फिर कोर्ट ने भी दिशा निर्देश दिया और उसके बाद तेजस्वी यादव
26 मार्च को सीबीआई की पूछताछ में शामिल हुए। अब ईडी को के सामने भी यही तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तेजस्वी यादव को देने पड़ेंगे, और तेजस्वी यादव ये कहकर नहीं बच सकते कि वो बालिग नहीं थे या उनको जानकारी नहीं। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है, तो उनके पिताजी का दोष है क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर 600 करोड़ की संपत्तियां ट्रांसफर की गई। तो ये साफ है, अब ईडी के जो जवाब हैं वो इनसे ईडी लेगी और तमाम सवालों के जवाब इनको देने पड़ेंगे ईडी। जी बिल्कुल, राजनीतिक गलियारों में तो कहा जा रहा है कि जो इस तरह के परिवारवादी पार्टियां हैं जिनको कहा जा रहा है कि ये परिवारवादी हैं, उनके लिए राजनीति और भ्रष्टाचार दोनों विरासत में मिली हैं। फिलहाल जो जाँच एजेंसियाँ हैं वो उसकी जाँच कर रही हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए नीरज सिंह। और कांग्रेस में नेताओं की आपसी फूट एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार चर्चा के केंद्र में है राजस्थान के कद्दावर नेता सचिन पायलट, जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ आज से जयपुर के शहीद स्मारक पर सुबह से अनशन पर है। अनशन को लेकर सचिन पायलट का कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अनशन में शामिल होने के लिए अपने किसी समर्थक नेता और विधायक को औपचारिक न्योता नहीं भेजा है, लेकिन उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक और सवाई माधोपुर समेत कई जिलों के कार्यकर्ता और समर्थक भी अनशन में शामिल हुए हैं। और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि पायलट को कांग्रेस सरकार के 4 साल 4 महीने के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच की भी मांग करनी चाहिए। सरकार का अंतर्कलह चरम पर है। अपमान की राजनीति इस कदर इस आगे पहुंच गई है कि आखिर जिस व्यक्ति ने सरकार को निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई थी, आज वो अनशन पर जा रहे हैं, सहारा ले रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार का। उनके मन में पीड़ा है अपने अपमान की और इस सरकार के में भ्रष्टाचार के तांडव की। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुरारी गुप्ता जयपुर से जुड़ रहे हैं। मुरारी, आपसे जानना समझना चाहेंगे राजस्थान की जो कांग्रेस की राजनीति है, किस तरह से आज की डेट पर उसको देखेंगे? क्या सचिन पायलट आर पार की लड़ाई में के मूड में नजर आ रहे हैं? क्योंकि बार बार जो उनका शीर्ष नेतृत्व है वो आगाह कर रहा है, बावजूद उसके वो मानने को राजी नहीं है। बिल्कुल निखिल, जिस तरह की आज कांग्रेस की उसके बाद धरना जिस तरह दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कहीं सचिन महत्वपूर्ण इसमें अब देख सकते हैं। एक तो जो जहां अनशन हो रहा है उसमें किसी भी बड़े नेता की उन्होंने फोटो नहीं लगाई, ने राहुल गांधी की, ने प्रियंका गांधी की, ने सोनिया गांधी की फोटो नहीं। दूसरी बात, किसी भी विधायक या अपने समर्थक विधायक और मंत्री है उसको उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है। लगभग 3,000 से 4,000 के बीच में लोगों यहाँ जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं। रंधावा ने क्लियर कट कहा है कि ये जो सचिन का अनशन है वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन के खिलाफ है। तो निखिल, कहा जा सकता है कि सचिन पायलट अभी कोई किसी न किसी डिसीजन लेने की स्थिति में आने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं जो सियासत के जो जानकार हैं, जो राजनीति विश्लेषक हैं, उनका भी कहना है कि सचिन पायलट शायद ऐसा चाहते हैं कि पार्टी उन्हें बाहर निकाले, खुद पार्टी से बाहर जाने के बजाय इससे उनको शायद हो सकता है कि एक सहानुभूति, जिसको कह सकते हैं सहानुभूति का एक वोट वो लेने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे इस आंदोलन के ये जो अनशन है इसके माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये कि लगातार जिस तरह सचिन पायलट को बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, बार बार जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये कहा जा रहा था कि कोई बड़ा डिसीजन सचिन पायलट को लेकर लिया जाएगा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को भी काफी अच्छा गुजर चुका है, बीत चुका है, इसके बावजूद सचिन पायलट को न संगठन में, न सरकार में, न केंद्रीय संगठन में कहीं भी किसी तरह का मैच नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं इस चीज से कहीं ना निराश सचिन पायलट को बिल्कुल लगता है, और इसी चीज को लेकर वो कहीं, चूंकि चुनाव में अभी 8 महीने बाकी हैं, तो कहीं ना कहीं एक लाइन सचिन पायलट लेना चाहते हैं। जी, जो दूसरा पक्ष है जो अशोक गहलोत का, सरकार का, उसकी तरफ से क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं इसके? क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी तरफ से तो ये संदेश कहीं ना कहीं दिया जा रहा है कि भाई वो अनशन ना करें, उनकी ताकीद के बावजूद ये अनशन हो रहा है। क्या कुछ कहना है अशोक गहलोत का और उनके पक्ष का? देखिए, अशोक गहलोत का सचिन पायलट को लेकर बहुत क्लियर कट है। वो पहले भी कई बार उनको बड़े गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, तो उनकी तरफ से मुझे नहीं लगता कि इस मामले में किस तरह की सहानुभूतियां आगे से बढ़कर इनसे कोई बातचीत करने का प्रस्ताव दिया जाएगा। अभी जो भी हाल ही में
तो केंद्रीय नेतृत्व ने भी जो अशोक गहलोत के कामकाज को लेकर बड़ी तारीफ किया और कहा है कि जो अगला चुनाव होगा उसमें अशोक गहलोत के जो काम है राजस्थान में उन्हीं को लेकर वो लोग आगे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि और सियासत में भी जो राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अभी अशोक गहलोत की तरफ से या उसके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी तरफ से सचिन पायलट की तरफ से हाथ बढ़ाने या संवाद करने का किसी कोई शुरुआत होने की संभावना है नहीं। तो आज 4 बजे यंत्र जब समाप्त हो जाएगा तो सचिन पायलट का कहा जा रहा है कि शायद मीडिया से बातचीत करेंगे, उसमें क्या एक लाइन निकल के आ सकती है, उसके बाद आगे की चीजें शुरू हो सकती है। लेकिन कहीं कहीं सचिन पायलट का वसुंधरा के ऊपर आरोप जरूर लगा रहे हैं, लेकिन उनका जो निशाना है वो सीधे सीधे अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो वो लगातार अलग अलग बयानों के माध्यम से अशोक गहलोत पर लगातार आरोप लगाते रहे, खासकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। तो एक जो हो सकता है अगले 2-4 दिनों में लेकिन कुछ एक नई चीजें राजस्थान में, नई एक पॉलिटिकल चीज सिनेरियो डेवलप हो सकता है। जी निश्चित तौर पर, ये तो राजनीति की भाषा है, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि वो कहने के लिए भले ही वसुंधरा राजे को निशाने पर ले रहे हैं लेकिन दरअसल निशाना उनकी अपनी पार्टी, अशोक गहलोत और उनका शीर्ष नेतृत्व भी कहीं ना कहीं है। जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई और बताया कि वहाँ पर गांधी फैमिली या जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है उसकी कोई भी तस्वीर नहीं लगाई गई है, महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ अनशन दे रहे हैं, तो अगर कहा जाए कि जगन मोहन रेड्डी की राह की तरफ आगे बढ़ रहे हैं सचिन पायलट तो गलत नहीं होगा। तो जिसको कहते हैं वेट एंड वॉच कि 4 बजे शाम को वो क्या कुछ कहते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए मुरारी गुप्ता। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कोविड संक्रमण से निपटने के लिए क्या कुछ तैयारी कर रही है सरकार। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर, और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे, ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। तुम जादूगर तो नहीं पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात कोविड संक्रमण से तैयारी की। कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए किए जा रहे 2 दिवसीय देशव्यापी मॉक ड्रिल का आज दूसरा और अंतिम दिन है। कल से शुरू हुए मॉक ड्रिल के तहत आज भी देश भर के चुनिंदा अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उपलब्ध संसाधनों की तैयारियों का आकलन किया जा रहा है। इस दौरान चिकित्सा संस्थानों में कोविड-19 की प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों के लिए उपलब्ध बेड, एम्बुलेंस उपकरण, दवाएं और कार्यबल का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरणों और जीवन रक्षक उपकरणों पर मॉक ड्रिल कर उनकी क्रियाशीलता की सुनिश्चित की जाएगी।
वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल आरएमएल हॉस्पिटल का दौरा किया और वहां का जायजा लिया। और अब नजर डालते हैं कोरोना संक्रमण के ताजा आंकड़ों पर। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 5,676 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,761 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.73% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.81% दर्ज किया गया है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.88% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 37,093 है। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 358 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। और महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 328 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,667 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक मुंबई के में संक्रमण सबसे अधिक 228 हुआ है और 228 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पुणे में 50, नागपुर में 18, अकोला में 10, लातूर में 8 और नासिक और कोल्हापुर में 5-5 मामले सामने आए हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोविड से एक व्यक्ति की मौत हुई है। राज्य में मृत्यु दर 1.82% है। इस बीच पिछले 24 घंटों में कुल 247 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं रिकवरी रेट 98.12% दर्ज किया गया है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हुए हैं। नितेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे, मॉक ड्रिल का आज दूसरा दिन है, एक तो पहले दिन का क्या रिपोर्ट्स रही हैं वो बताइए और क्या कुछ उद्देश्य है इस मॉक ड्रिल का? नितेंद्र से एक बार हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। नितेंद्र से हमारा संपर्क ऐसा लगता है कि टूट गया है, लेकिन हम आपको बता दें कि दो दिन की मॉक ड्रिल चल रही है देश भर के तमाम अस्पतालों में और कल भी ये मॉक ड्रिल चली थी, आज दूसरा और अंतिम दिन है। हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेंद्र, अगर आप हमको सुन पा रहे हैं तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो कल मॉक ड्रिल का जो पहला दिन था उसका क्या फीडबैक है और आज किस तरह से चल रही है मॉक ड्रिल, क्या कुछ इसका मकसद है, कितना सेफ और कितना सहज महसूस करना चाहिए देश के एक आम नागरिक को इन तैयारियों के साथ? देखिए, कल कई राज्यों में मॉक ड्रिल हुआ। शाम तक की जो रिपोर्ट आई थी स्वास्थ्य मंत्रालय के पास, तो बहुत संतोष व्यक्त किया गया। जितने भी मॉक ड्रिल हुए वो काफी सफल रहे। जो प्लान किया गया था, एक एक एसओपी जारी की गई थी, उसके मुताबिक सभी मॉक ड्रिल रहा और उसमें ये देखने की कोशिश की गई थी कि अस्पताल कितने तैयार हैं, अस्पताल में जो कोविड से डेडिकेटेड जो वार्ड हैं, बेड हैं, वो कितने हैं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं, वो कितने फंक्शनल है, साथ ही साथ जो पीएसए प्लांट है जो ऑक्सीजन सप्लाई के लिए लगाया गया है वो किस तरह से चल रहे हैं, उसके अलावा टेस्ट की क्या व्यवस्था है, खासतौर पर आरटीपीसीआर टेस्ट, अगर कोई मरीज जाता है सिम्टम के साथ लक्षण के साथ तो उसको कैसे टेस्ट किया जा रहा है, डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल जो पीपी किट पहन के जो काम कर रहे हैं उनको कितने लोगों को ड्यूटी पे लगाया गया है, तो इस तरह की प्रक्रिया थी और इतने पैरामीटर्स पे इस पूरे मॉकड्रिल को मापा गया था और बहुत ही अच्छा मॉकड्रिल रहा। आज कई राज्यों में आज भी मॉकड्रिल चल रहा है। दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली सरकार के जितने भी अस्पताल है वो वहां पर आज मॉकड्रिल चल रहा है, तो काफी संतोष व्यक्त किया गया। जहां तक जनता की बात है तो जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, देश में पर्याप्त मात्रा में बेड है, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हैं, पर्याप्त मात्रा में टेस्टिंग किट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो केस हम औसतन देख रहे हैं कि लगभग 6,000 के आसपास औसतन केस दर्ज किया जा रहा है, पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय स्तर पर 2.88% है, यानी कि करीब करीब 3% है, हालांकि ये 2% के नीचे होना चाहिए। वीकली पॉजिटिविटी रेट भी 3% से ज्यादा है, जो 2% के नीचे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, मास्क, जैसे मैंने कि मास्क लगाया है, आप देखिए चूंकि मैं एक सार्वजनिक जगह पे हूँ, मेरे आसपास लोग हैं तो मैंने मास्क लगाया है, तो मास्क लगाना बहुत जरूरी है आम आदमी को, क्योंकि संक्रमण
सबसे पहले आम आदमी को होगा, किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को हो सकता है। सरकार का काम है कि वो अस्पताल की व्यवस्था करेगी, टेस्ट की व्यवस्था करेगी या इलाज की व्यवस्था करेगी, लेकिन वायरस से लड़ते सबसे पहले हम हैं, हम संपर्क में आते हैं। तो अगर हम मास्क लगाएंगे, हाथ धोएंगे, भीड़ भाड़ में अगर हम जा रहे हैं तो प्रोटोकॉल कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो हम संक्रमण के चेन को तोड़ पाएंगे। और यही सबसे बड़ा सबक लगा। जी जी, निश्चित तौर पर। तो आपने विस्तार से इसकी जानकारी दी है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हालांकि एक सवाल और जहन में है, ये समझना चाहते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, चाहे वो मॉकड्रिल की हो, चाहे स्वास्थ्य की तैयारियां हो, बहुत संक्षेप में बताइएगा कि जो निजी क्षेत्र है उसको कैसे साथ में लेकर आया जा रहा है इसमें। इस मॉकड्रिल में निजी अस्पताल भी शामिल है। निजी अस्पताल पहले से भी पता है आपको कि वहां पर मरीज जाते रहे हैं, तो उनको भी पता है कि कितने उनके इलाके के हिसाब से उनको कितनी कैपेसिटी बढ़ानी है बेड की, वो सब कुछ इसमें शामिल था। और प्राइवेट अस्पताल भी इसमें शामिल हुए थे, तो वो भी तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां भी जिसको जरूरत पड़ेगा निकटतम अस्पताल में वो जा सकता है इलाज के लिए या फिर टेस्ट के लिए। तो बहुत ही बेहतरीन अगर कहेंगे मॉकड्रिल हुआ, और इससे दो फायदा हुए, एक तो अस्पताल भी जागरूक हुआ, दूसरे जनता भी है वो भी जागरूक हुई कि नहीं, हमें अगर हम प्रोटोकॉल का पालन करेंगे तो हम संक्रमित नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो फिर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होगी। एक और बात है, जो प्रिकॉशन डोज करीब करीब 30% के आबादी जो पात्र आबादी वही ली है, तो जो भी अभी जो जिन लोगों ने भी प्रिकॉशन डोज नहीं लिया है वो जरूर लगा ले, उनसे उनको बचाव होगा, बीमारी की गंभीरता से बचाव होगा। जी निश्चित तौर पर। तो ये आम लोगों को, जनता को, सभी को जिस तरह से पहले इस अभियान में सब लोग उठ खड़े हुए थे, वही एक बार फिर से ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं कि कोविड जो है वो कहीं गया नहीं है, वो उसकी संख्या बढ़ती घटती रहेगी और उससे साथ हमारी जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और मॉनसून इस साल सामान्य रहने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया। साउथ वेस्ट मॉनसून यानी कि जून से सितंबर के बीच देश भर में दीर्घकालिक औसत के 96% बारिश होने के आसार हैं। पूरी भारत गया जो है 87 सेंटीमीटर पर कंट्री एज ए होल, जब मैं 96% रेनफॉल का पूर्वानुमान कर रहा हूं, इसका मतलब है कि 87 सेंटीमीटर की 96% यानी लगभग 83.5 सेंटीमीटर रेनफॉल पूरी देश में रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया जाता है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए कितनी राहत की खबर है, और जब कहते हैं कि मॉनसून सामान्य रहेगा या 96% बारिश होगी तो कैसे समझना चाहिए इसको? ये देखिए, निश्चित तौर पर ये बहुत राहत की खबर है, न केवल किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के लिए और जो देश के आम नागरिक है उनके लिए। क्योंकि जब मानसून सामान्य होता है तब हम देखते हैं कि उसका एक सकारात्मक असर कृषि उत्पादन पर पड़ता है, खासतौर पर जो खरीफ की फसल होती है, जिसमें हम जानते हैं कि धान की बुआई काफ़ी होती है और जो धान का उत्पादन है उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है। और बाद में पीडीएस के जरिए हम जानते हैं कि उसकी एक रिकॉर्ड खरीद भी लगातार देखने को मिल रही है साल दर साल, तो ऐसे में उस पर भी असर पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी ये है, इसीलिए बहुत इस बात को लेकर उत्सुकता रहती है कि जब अनुमान जताया जाता है तो लोग इंतज़ार करते हैं कि आखिर मौसम विभाग क्या कहेगा इस वर्ष के मानसून को लेकर। अब जब ये बता दिया गया है कि 96% मानसून रहेगा 2023 में जून से सितंबर के बीच, तो इसका मतलब यह है कि सामान्य मानसून रहेगा, चूंकि 96% या उससे ज़्यादा मानसून का मतलब सामान्य मानसून माना जाता है। तो यानी जो एक तरह से कहें कि इसका एक कृषि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसका एक तात्पर्य यह भी है कि अगर आप जून से सितंबर के बीच देखें, जो विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि मानसून के अंत में यानी अगस्त सितंबर के महीने में थोड़ा प्रभाव अल्लीनों का देखने को मिल सकता है मध्यम स्तर का, तो हो सकता है कि तब सामान्य से थोड़ी सी कम बारिश हो, लेकिन शुरुआती महीने जो है आप बात करें
जून जुलाई की, उसमें पूरी तरह से सामान्य मानसून या उससे भी थोड़ा बेहतर मानसून रहेगा, क्योंकि जो एवरेज बताया गया है 4 महीने का वो सामान्य बताया गया है। तो इसमें बहुत सुखद खबर यह है कि खरीफ की फसलों पर और उसके बाद जब रबी की फसल का जो सत्र शुरू होता है नवंबर महीने से, क्योंकि जब बारिश अच्छी होती है तो उसकी नमी बनी रहती है और जलाशय हमारे जब भरते हैं तो पीने की पानी की जो शहरों में एक तरह से देखें जो आपूर्ति होती है उस पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था को एक सहारा मिलता है जब हम देखते हैं कि मानसून बेहतर होता है और उसका एक बहुत बेहतर असर सकारात्मक असर न केवल अर्थव्यवस्था पर बल्कि एक आम जनजीवन पर भी देखने को मिलता है। इस बात की चिंताएं थी क्योंकि कुछ निजी जो अनुमान जताने वाली एजेंसियां हैं उन्होंने कुछ आंकड़ा जारी करके कुछ ऐसे अनुमान जताए थे जिससे इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई थी और उत्सुकता थी कि भारतीय मौसम विज्ञान जब अनुमान जारी करेगा निखिल, तब आखिर वो मौसम को लेकर क्या कहता है, इस वर्ष मानसून को लेकर क्या कहता है। तो ये चिंताएं एक तरह से दूर हो गई हैं, उत्सुकता खत्म हो गई है, चूंकि राहत की बात है किसानों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, कि इस वर्ष पिछले कई वर्षों की तरह आप देखें सामान्य मानसून रहने की उम्मीद है। तो ये बहुत बड़ी राहत की बात है कृषि क्षेत्र के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। जी निश्चित तौर पर, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र मिश्रा, बहुत शुक्रिया। तो इस बार मानसून सामान्य रहने वाला है और ये सुखद खबर है न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि हमारे अर्थव्यवस्था के लिए भी। और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी है और वो भी बिना शर्त। मद्रास हाईकोर्ट की रूट मार्च की इजाजत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को तमिलनाडु सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर राज्य सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने आरएसएस को रूट मार्च की इजाजत दी थी लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर यह कहा था कि कुछ जगहों पर बिना शर्त रूट मार्च निकालने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश दौरे का आज अंतिम दिन है। अमित शाह ने आज वालुंग युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले सोमवार को अमित शाह ने अंजाव जिले के सीमावर्ती गांव किबीतू में वायलेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। गृह मंत्री अमित शाह आज असम के डिब्रूगढ़ में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य के भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और इसके तमाम जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उसके बारे में चर्चा की जा चुकी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में 31वीं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सैनिकों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि सैनिक जब सीमा पर खड़े होकर सुरक्षा प्रदान करते हैं तो किसी एक खास राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते बल्कि देश की का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम सबके लिए यह खुशी की बात है कि हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने हमेशा मिलकर काम किया है और यह विषय उन विषयों में से एक है जिसमें दोनों सरकारें बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देती रही हैं। कभी भी हमें यह सुनने को नहीं मिला है जब राज्य सरकारें यह कहें कि यह सब्जेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसलिए सैनिकों के कल्याण का मुद्दा केंद्र का मुद्दा है, अथवा केंद्र बोले कि सभी राज्य अपने अपने सैनिकों के बारे में चिंता करेंगे, यह कोई एक दूसरे को कभी नहीं कहता है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष संगठन के साथ मिलकर नई दिल्ली में इंडियन डेफ स्पेस संगोष्ठी का आयोजन किया। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में उद्योग जगत के पेशेवर और रक्षा विशेषज्ञ मिलकर भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान को बढ़ावा देंगे, निजी क्षेत्र के योगदान और अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते प्रभावों पर मंथन करेंगे। इस अवसर पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के पास अंतरिक्ष रक्षा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इसमें लगातार भारत निरंतर नए आयाम छू रहा है। Adapting of newer methods to achieve conditions of what the Chinese actually call informatization and precise force application by belligerents. The invasion of space domain by commercial enterprises, as seen during this recent Russian-Ukraine conflict by SpaceX, Planet, Mexa, is unfolding a new era in the war of convergence actually. This combined with the intense race towards militarization of space has resulted into the battle space becoming expanded. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा कि डीआरडीओ ने शिक्षण संस्थानों में कई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। वी आर नाउ लुकिंग एट वर्किंग वेरी क्लोजली विथ इंडस्ट्री एज वेल एज एकेडमिया राइट फ्रॉम द डेवलपमेंट स्टेज। सो वी हैव सेवरल मैकेनिज्म्स दैट वी हैव स्टार्टेड। We have what is called the DRDO Industry Academia Centers of Excellence that we have opened in 15 academic institutions, mostly IITs and IISc. So if there are any academicians or industry startups or MSMEs or larger companies here, my request to you is please work with us closely so we can help our country achieve this capabilities much faster. और प्रयागराज के उमेश पाल अपहरण केस में उम्र कैद की सजा होने के बाद माफिया सरगना अतीक अहमद को फिर से गुजरात की साबरमती जेल एक बार प्रयागराज फिर से वहां से प्रयागराज लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस सुबह ही अतीक अहमद को लेने साबरमती जेल पहुंची। अतीक अहमद को उमेश पाल के मामले में प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद को लेकर सड़क मार्ग से साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। और मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान मामले में आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट में दाखिल 13 मामलों को एक साथ करने और हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से वकील रंजना अग्निहोत्री, हरिशंकर जैन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में यह वाद दाखिल किया था। 4 अप्रैल को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई हुई थी। इस पर प्रतिवादियों ने समय मांगा था। कोर्ट ने 11 अप्रैल यानी आज की तारीख दी है। और उत्तराखंड के केदारनाथ में मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। बर्फ को रास्तों से हटाया जा रहा है और सड़क खोलने का काम जारी है। पिछले महीने ताजा बर्फबारी के कारण यात्रा की तैयारियों में बाधा आ रही थी। ऐसे में मौसम साफ होने के साथ ही तैयारियां फिर से शुरू कर दी गई हैं। श्री केदारनाथ धाम के कपाट आगामी 25 अप्रैल को खुल रहे हैं। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। IMF की ताजा रिपोर्ट में कोविड के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के पहले की अवधि के मुकाबले दुनिया में FDI निवेश में 20% की गिरावट दर्ज की गई है। यूरोप के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में चीन में होने वाले FDI में कमी देखी गई है। एशिया, यूरोप और अमेरिका से चीन में होने वाले FDI निवेश में कमी दर्ज की गई है। 2020 से 2022 के बीच अमेरिका से चीन में FDI निवेश में 40% की गिरावट आई है। एशिया के मुकाबले चीन में और चीन से होने वाले FDI निवेश में ज्यादा कमी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में लगाए गए पूर्ण लॉकडाउन की वजह से इस निवेश में कमी आई है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन की वजह से हांगकांग में अमेरिकी निवेश में कमी देखी गई है। इसी अवधि में अमेरिका से भारत में होने वाले FDI निवेश में 20% की तेजी दर्ज की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोस्टा रिका और कोलंबिया के बाद भारत में सबसे ज्यादा निवेश आया है।
IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत, अमेरिका और चीन दोनों ही देशों से भू राजनीतिक तौर पर समान दूरी बनाए रखता है और ऐसे में इससे एक तरह से निरपेक्ष माना जा सकता है। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक भारत जैसे निरपेक्ष देश में एक तरफ दुनिया में मांग में कमी की वजह से निर्यात और निवेश में कमी का अनुपात है, जबकि दूसरी ओर वैकल्पिक क्षेत्रों से निवेश बढ़ने से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो दुनिया भर में जहां FDI में कमी आई है, वहीं भारत में इसमें तेजी आई है। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल फ्रांस के दौरे पर हैं। पीयूष गोयल आज पेरिस में फ्रांस के विदेश मंत्री व्यापार प्रतिनिधि ओलिवर बेख्त के साथ भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन में हरित भविष्य के निर्माण, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सहयोग और भारत प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित कई विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पीयूष गोयल का विभिन्न क्षेत्रों में फ्रांसीसी व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। वो CEOs के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। फ्रांस के मंत्री ओलिवियर बेख्त के साथ पीयूष गोयल एक ऐसे कार्यक्रम में भाग लेंगे जो भारत की सांस्कृतिक विरासत और सॉफ्ट पावर का प्रदर्शन करेगा और इसमें 600 से अधिक फ्रांसीसी सरकार के गणमान्य व्यक्तियों, फ्रांस में भारतीय कारोबारी समुदाय और फ्रांसीसी व्यापार समुदाय के सदस्यों की भागीदारी होने की उम्मीद है। बाद में इटली के रोम जाएंगे मंत्री और जहां वे उप प्रधानमंत्री और विदेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी से मुलाकात करेंगे। पीयूष गोयल द्विपक्षीय बैठकों के लिए शीर्ष इतालवी CEO से मिलने का भी उनका कार्यक्रम है, जिसके बाद CEO इंटरैक्टिव बिजनेस सेशन होगा जिसमें 35 CEOs के भाग लेने की संभावना है। इस यात्रा से यूरोपीय क्षेत्र में भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरें लेकर गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है गौरव, कौन कौन सी खबरें हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे आज आप? शुक्रिया निखिल, और खबरों की जो शुरुआत करेंगे खेल खबरों की, वो करेंगे IPL की खबरों के साथ, जहां इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। ये मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है। दोनों में से किसी भी टीम को अब तक एक भी जीत नसीब नहीं हुई है। टूर्नामेंट में अब तक दिल्ली ने 3 मुकाबले और मुंबई की टीम ने 2 मैच खेले हैं। ऐसे में दोनों टीमों के लिए ये मैच काफी अहम रहने वाला है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मुकाबले की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत हासिल की। बेहद रोमांचक मुकाबले में लखनऊ ने बैंगलोर को 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 विकेट से मात दी। इस जीत के साथ ही लखनऊ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB की टीम ने लखनऊ के सामने जीत के लिए 213 रन का लक्ष्य रखा, जिसे लखनऊ ने 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। RCB के लिए विराट कोहली ने 61, ग्लेन मैक्सवेल ने 59 और कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने 79 रन बनाए। वहीं लखनऊ के लिए मार्कस स्टोइनिस ने 65 रन की पारी खेली, जबकि निकोलस पूरन ने 62 रन बनाए। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज बुलंदशहर सांसद खेल स्पर्धा 2023 कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में खेलों की दिशा में अभूतपूर्व क्रांति देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार खिलाड़ियों के रहने की, खाने की, उनकी ट्रेनिंग और विदेश में ट्रेनिंग का सारा खर्च उठाती है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2014 में आते ही खेलों को प्राथमिकता देने की शुरुआत कर दी और उसका लाभ क्या मिला आज देखिए। खिलाड़ियों को जो एलीट ग्रुप में आ जाते हैं, उनके रहने की, खाने की, ट्रेनिंग की, देश की, विदेश की, सारा खर्चा मोदी सरकार उठाती है करोड़ों रुपए, और सारा खर्चा बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग का तो उठाती है, 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च भी खिलाड़ियों को देने का काम करती है। दूसरा चरण आता है खेलो इंडिया डेवलपमेंट एथलीट का, उनका भी बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग सारा खर्चा हम लोग सहन करते हैं,
और उनको भी 3 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देते हैं, पूरा खर्चा भी और 3 लाख जेब खर्च भी। फिर अगला आता है खेलो इंडिया एक्रेडिटेड एकेडमी में जो खिलाड़ी आते हैं, ये जो खेलो इंडिया एथलीट है इनके भी रहने खाने का ट्रेनिंग का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है और इन 3000 खिलाड़ियों को 1,20,000 रुपया जेब खर्च साल का भारत सरकार देती है। और अब बात कर लेते हैं कुश्ती की। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारतीय पहलवान विकास ने कांस्य पदक जीत लिया। प्रतियोगिता के 72 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में विकास ने चीन के पहलवान जैन टेन को 8-0 से करारी शिकस्त दी। विकास ने अपने प्रतिद्वंदी को महज 1:41 में हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अब बात कर लेते हैं स्विमिंग की। थाईलैंड एज ग्रुप एंड ओपन चैंपियनशिप में भारतीय तैराकों ने 8 पदक हासिल किए। भारतीय तैराक अनिश गौड़ा ने 200 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की। वहीं साजन प्रकाश ने 50 मीटर फ्लाई में रजत पदक को अपने नाम किया। प्रतियोगिता में 200 मीटर बैकस्ट्रोक इवेंट में नितिक हरी ने कांस्य पदक जीता, जबकि शुभंकर और सृष्टि उपाध्याय ने 50 मीटर फ्लाई वर्ग में कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। इससे पहले खेले गए प्रतियोगिता के 800 मीटर फ्रीस्टाइल वर्ग में भारत के कुशाग्र रावत ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं ऋचा मिश्रा ने 1500 मीटर फ्रीस्टाइल वर्ग में स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया, जबकि भारतीय तैराक अनिश गौड़ा 800 मीटर फ्रीस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। तो निखिल, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें, लेकिन वापस एक बार फिर से आपके पास। धन्यवाद गौरव इन खबरों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर युगांडा और मोजाम्बिक की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। एस जयशंकर युगांडा के कंपाला में तुलसी घाट परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। आज राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस यानी नेशनल सेफ मदरहुड डे है। आज के न्यूजीलैंड्स में जानिए कि आखिर क्यों मनाया जाता है यह दिवस, क्या है इस दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और क्या है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य। आप देखिए यह रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसी महिला के लिए मां बनना प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान माना जाता है, लेकिन कई जगहों पर अशिक्षा, जानकारी में कमी, समुचित स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, कुपोषण, कच्ची उम्र में विवाह, बिना तैयारी के गर्भधारण आदि के अभाव में हर साल हजारों महिलाएं प्रसव के दौरान अपनी जान गंवा देती हैं। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। इस दिन गर्भवती महिलाओं में पोषण संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गौरतलब है कि आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है इस दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बता दें कि गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छे स्वास्थ्य के महत्व की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा इस दिन को मनाने की पहल की गई थी। फिर भारत सरकार ने व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की पहल के बाद साल 2003 में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती के दिन 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया था। तब से महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें इस दिन को मनाने के उद्देश्य की, तो इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान, प्रसव के दौरान और डिलीवरी के बाद स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रति जागरूक करना है, साथ ही साथ मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना है। जानकारों के मुताबिक वर्तमान सरकार का शुरुआत से मातृत्व सुरक्षा पर विशेष फोकस रहा है। मातृत्व सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जननी सुरक्षा योजना, लक्ष्य यानी लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम, मातृत्व शिशु सुरक्षा कार्ड यानी
एमसीपी कार्ड जैसी अनेक योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा मातृत्व सुरक्षा के लिए किए जा रहे लगातार प्रयास रंग भी ला रहे हैं। अगर बात करें गर्भावस्था के दौरान की, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 59% महिलाओं ने गर्भावस्था के दौरान कम से कम 4 बार ANC विजिट किया, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लिया। इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक प्रसव के दौरान संस्थागत डिलीवरी 89% हो गई है, जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 79% थी। साथ ही साथ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 61% महिलाओं का डिलीवरी के बाद 2 दिन के अंदर चेकअप हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। विदेश मंत्री एस जयशंकर षड्दिनात्मिकीं यात्रां उद्दिश्य युगांडा मोजाम्बिक देशयोः गतः अस्ति। सः युगांडायाः कंपाला स्थले तुलसीघाट परियोजनायाः शुभारंभं कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। स्वीये संबोधने विदेशमंत्री उक्तवान् यत् भारतस्य सभ्यता विश्वे सर्वाधिक पुरातन सभ्यतासु एकतमा अस्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्रिणः अमित शाहस्य अरुणाचल प्रदेश यात्रायाः अद्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। यात्रायाः अन्तिमे चरणे गृहमन्त्री अद्य नमती प्राङ्गणं गमिष्यति, वालोङ्ग युद्ध स्मारके श्रद्धाञ्जलिं चापि अर्पयिष्यति। इतः पूर्वं सोमवासरे श्रीशाहः अञ्जाव जनपदस्य किबितो ग्रामे वैब्रण्ट् विलेज् प्रोग्राम् इति कार्यक्रमस्य शुभारम्भं विहितवान् आसीत्। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अरुणाचल प्रदेशे प्रकल्पितानि सुरक्षाबलानि अथ जनेषु देशभक्तिभावः प्रशंसितम्। कथितं यत् भवतां कार्यशैली एव कारणम् अद्य न कोऽपि दुर्जनः भारतसीम्ने वैरमनसा द्रष्टुं शक्नोति। PM गतिशक्तिम् अवलम्ब्य पञ्चमी क्षेत्रीया कार्यशाला अद्य प्रभृति वाराणसी नगरे समारभते। उत्तरप्रदेश, हरियाणा, झारखण्ड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल प्रदेशानां कार्यशालायां सहभागिता भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः फ्रांस यात्रायै गतः अस्ति। अद्य पीयूष गोयलः तत्र पेरिस नगरे फ्रांस देशस्य विदेश व्यापार मन्त्री प्रतिनिधिना शौली वियर बेक्थ इत्यनेन समा भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलनस्य सहाध्यक्षतां करिष्यति। भारत फ्रांस मित्रतायाः 25 वर्षाणि पूरितानि एतदुपलक्ष्य भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलनं तत्र आयोज्यमानम् अस्ति। केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् व्यापार समुदायस्य जनैः समं सामूहिकी मन्त्रणा समाचारिता। एतस्मिन् सामूहिकी कार्यक्रमे फ्रांस देशस्य उद्योगपतयः आमन्त्रितं गताः। अत्रान्तरे जनाधिक्यम् अवलम्ब्य पञ्जीकरणं पिनद्धम्। एतत् सर्वं प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः लोकप्रियतायाः एव प्रमाणभूतम्। केन्द्रीय वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमणवर्या अन्ताराष्ट्रिय मुद्रा कोषस्य विश्व बैंक समूहस्य च वार्षिकोपवेशने भागं ग्रहीतुं अमेरिका यात्रायां गता अस्ति। सा अद्य अमेरिकीयं स्वीय समकक्षं सम्मिल्य पारस्परिक हित सम्बद्धेषु विषयेषु चर्चां करिष्यति। कोविड संक्रमणं सम्मुखीकर्तुं सज्जताः विधीयमानाः सन्ति। अत्र क्रमे द्विदिनात्मकस्य देशव्यापी मॉक ड्रिल इत्येतस्य पूर्वप्रबन्धन सज्जता परीक्षणस्य अद्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। अद्य चिकित्सालयेषु संक्रमण प्रसारम् अवरोद्धुं अथ प्रबन्धनाय उपलब्धानां संसाधनानां सज्जता गलनं करिष्यते। श्रीकृष्ण जन्मभूमि ईदगाह सम्बद्धं विवादम् अवलम्ब्य अद्य मथुरायाः विशिष्टे एकस्मिन् न्यायालये वादश्रवणं भविष्यति। इतः पूर्वं सञ्जाते वादश्रवणे न्यायालयेन ईदगाह स्थलस्य अमीन सर्वेक्षणे प्रतिबन्धः प्रवर्तितः आसीत्। समाजसुधारकस्य दार्शनिकलेखकस्य महात्मा ज्योतिबा फुले इत्येतस्य अद्य जन्मजयन्ती अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी जयन्तीम् उपलक्ष्य ट्वीट् सन्देशमाध्यमेन श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवान्। तेन लिखितं यत् महात्मा ज्योतिबा फुलेवर्यस्य जयन्त्यवसरे नमनं करोमि। सामाजिक न्यायमवलम्ब्य दलितानां शक्तीकरणाय च तदीयं योगदानं स्मरामि। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्रिणा एकं दृश्यश्रव्याङ्कनमपि प्रकाशितम्। IPL क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां लखनऊ सुपर जायंट्स दलेन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर दलं पराजित्य तृतीयः विजयः सम्प्राप्तः। स्पर्धा मालिकायां अद्य दिल्ली कैपिटल्स दलं मुंबई इंडियंस दलं च अंतरा स्पर्धा भविष्यति।